दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाय दोस्तों, रामगढ़ टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि झारखंड में जो होम गार्ड का वैकेंसी निकला था जिसका आखिरी डेट 26 फरवरी 2018 था, उसका फॉर्म किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि सर फॉर्म भेजिए, फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, मुझे अप्लाई करना है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि होम गार्ड का आप किस तरह से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और ये जॉब जो है दोस्तों सारे स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप झारखंड से बिलोंग रखते तो आपको अच्छी खासी छूट मिलेगी दोस्तों, बाहर वाले भी यहां पर इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं रामगढ़ टेक। दोस्तों फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है वो बताने से पहले आपको हम इस बारे में कुछ अपडेट दे देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो ज़रूर आपको मैं बता देता हूँ इस जॉब में क्या क्या अपडेट मांगा गया था दोस्तों और कौन कौन लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब का जो अपडेट निकल के आया दोस्तों साहेबगंज की तरफ से निकल के आया था, उपायुक्त कार्यालय साहेबगंज। जी हाँ दोस्तों, डीसी ऑफिस की तरफ से ये जॉब का अपडेट निकल के आया था दोस्तों। इसमें जो टोटल पोस्ट संख्या बताई जा रही थी 289, जो कि आप अभी भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जो आयु सीमा बताया गया था दोस्तों लगभग 1/1/2018 में न्यूनतम 19 वर्ष मांगा और अधिकतम 40 वर्ष, 19 साल से 40 साल तक के लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो शारीरिक मापदंड मांगा गया था दोस्तों, लंबाई जो मांगा गया था पुरुषों को 162 सेंटीमीटर और यहां पर जो बताया गया था एसटीएससी को 157 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए जो था दोस्तों 148 सेंटीमीटर था दोस्तों। छाती जो इसमें मांगा गया था वो 79 सेंटीमीटर और यहाँ पे एसटीएससी को 76% यहाँ पे मांगा गया था, 76% यहाँ पे छाती सॉरी सेंटीमीटर मांगा गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूनतम मील दौड़ जो बताया गया था, फिजिकल फिट जो दौड़ होने वाला था दोस्तों वो 1 मील की दौड़ 6 मिनट में करनी थी दोस्तों। ऊंचाई कूद यहाँ पे 4 फीट की होनी थी, न्यूनतम लंबाई कूद 12 फीट की होनी थी और न्यूनतम शॉर्ट फुट यहाँ पे 16 फीट की होनी थी दोस्तों। उसके बाद यहाँ जो महिलाओं के लिए जो बताया गया था दोस्तों, न्यूनतम 1 मील दौड़ 10 मिनट में, न्यूनतम ऊंची कूद यहाँ पे 3 फीट मांगा गया था, न्यूनतम लंबी कूद 9 फीट मांगा गया था और न्यूनतम शॉर्ट फुट यहाँ पे 10.10 फीट मांगा गया था। उसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगा गया था आपको 10वीं पास। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 10वीं पास अगर आप है तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते। उसके अलावा जो भी आप है इंटर ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसका फॉर्म जो है दोस्तों आपके सामने दिखाया जा रहा है, आपको इस फॉर्म को भरना होगा दोस्तों और अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको साथ में लगा के सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपके हाथों से सिग्नेचर करके आपको पते पर पोस्ट करना होगा दोस्तों। इसका जो एड्रेस है दोस्तों आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा दोस्तों। आप इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा वो हम आपको बताते हैं दोस्तों। दोस्तों इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको YouTube पे जाना होगा दोस्तों। YouTube पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा दोस्तों रामगढ़ टेक। देखिए दोस्तों ये हमारा चैनल है, आपको इसे सर्च करके निकालना होगा और आपको यहाँ पे इस रामगढ़ टेक पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते यहाँ पे देखिए ऊपर में वीडियोस लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा दोस्तों। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों झारखंड में बहाली पद नाम होम गार्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ये वीडियो चलने लगेगा दोस्तों, आपको इसे पॉज कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे झारखंड में बहाली पद नाम होम गार्ड इसका टाइटल दिख रहा है। टाइटल के सिधाने आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक एरो बना है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है दोस्तों खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लोगों को परेशानी हुई इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहां पे देख सकते हैं इसका एड्रेस भी दिया हुआ है, आपको पोस्ट करना है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के जरिए कुरियर के जरिए भी आप पोस्ट कर सकते हैं। यहां पे एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं दोस्तों लिंक दिया हुआ दोस्तों, वेबसाइट लिंक आपको इस पर क्लिक करना होगा दोस्तों। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका
जो है ब्राउजर खुल जाएगा दोस्तों। ब्राउजर खुलने के बाद थोड़ा सा सर्च लेगा दोस्तों। सर्च लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस होगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइज एंड एप्लीकेशन, आपको इस ब्लू वाले पे क्लिक करना होगा दोस्तों। क्लिक करते यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद डाउनलोडिंग पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर देखिए आप मेरा डाउनलोड हो चुका है फॉर्म, ओपन में हमको क्लिक करना है। ओपन में क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल से यहाँ पे आपको पूछेगा देखने के लिए, आपको व्यू करने के लिए, तो यहाँ पीडीएफ एक्रोबैट में आप क्लिक कर दूंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये फॉर्म जो है डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। अब इसका आपको क्या करना होगा, इसका आपको प्रिंट निकालना होगा। आपने किसी भी नज़दीकी शॉप में जाकर आप प्रिंट निकलवा लीजिए और इस फॉर्म को भर के इसके पते पे आप भेज दीजिए दोस्तों। तो इसका जो आखिरी डेट है 26 तारीख तक, तो जल्दी कीजिए दोस्तों, इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कीजिए। सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो में अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं रोज़ाना एक जॉब की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना, टेक केयर, बाय।